हेलो स्टूडेंट्स, आज के गृह विज्ञान के प्रश्नोत्तरी कक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज के सभी प्रश्न भी जो है वस्त्र विज्ञान हमारे यूनिट से लिए गए हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहले नंबर का प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है या कहा गया है कि कपड़ों की देखभाल में आने वाले पदों को क्रम से सजाएं। अब यहाँ पे प्रश्न के अंदर कुछ जो है वो पार्ट्स दिए गए हैं, कुछ पद बनाए गए हैं, स्टेप्स डिफाइन किए गए हैं, उनको हम लोग जो है सिंक्रोनाइज वे में अरेंज करेंगे। यानी कि क्वेश्चन में जो है उसके सही क्रम को जो है आपसे पूछा गया है कि ये जो चार जो भाग आपके दिए गए हैं या चार पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स का सही क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये चार हमारे भाग या चार पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट है धोना, दूसरा पॉइंट है साबुन में भिगोना, तीसरा पॉइंट है सुखाना और चौथा पॉइंट है कपड़ों को छांटना। तो अब हमें ये जो चार हमारे जो पद हैं, इन चारों पदों को जो है सिंक्रोनाइज वे में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जो है इसको यहाँ पे मेंशन करना है, इनको क्रमबद्ध करना है। तो क्रमबद्धता में हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी कपड़े हमारे पास धुलाई के लिए एकत्रित होते हैं घर के अंदर, जितने भी कपड़े हैं, चाहे वो कलरफुल हैं, चाहे वो वुलन हैं, चाहे सिल्क के हैं, चाहे कॉटन के हैं, जैसे भी हैं, बच्चों के हैं, बड़ों के हैं, साड़ी है, पजामा कुर्ता है, जितने भी कपड़े होते हैं धुलाई के लिए, सभी एक जगह एकत्रित होते हैं, सारे के सारे आपको एक ही जगह एकत्रित मिल जाते हैं। तो सबसे पहला कार्य हमारा क्या होता है कि वो जो एकत्रित कपड़े हैं हमारे, हम उनमें से जो है कपड़ों को क्या करते हैं, छांटते हैं। क्यों छांटते हैं, ताकि अगर कोई रंगीन कपड़ा है तो उसको हम अलग करें, सफ़ेद कपड़ों को हम अलग करें, उसके बाद हम सर्दियों के अगर कोई वुलन कपड़े हैं हम उनको अलग करते हैं, कोई ऐसे सॉफ्ट कपड़े होते हैं उनको हम अलग करते हैं, जो जीन्स होते हैं, जो हार्ड कपड़े होते हैं जिनमें धुलाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है, रगड़ की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उनको हम अलग करने की कोशिश करते हैं, बेडशीट्स चादरें हैं उनको हम लोग अलग करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कपड़ों को जो है सबसे पहले क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ये जो हमारा कपड़ों को छांटना है, ये क्या हुआ, हमारा फर्स्ट स्टेज हुआ, ठीक है ना। कपड़ों को क्या कर रहे हैं हम लोग, छांट रहे हैं। तो छांट लिया हमने, जो सेकेंड स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज पे जो हमारे छटे हुए कपड़े होते हैं उनके ऊपर हम लोग जो है डिटर्जेंट या साबुन को अप्लाई करते हैं। अर्थात अगर सिंपली धोने अगर साबुन लगा करके हमें उसको धोना है, तो हम छांट करके हमें पता चल गया है कि हमें अपने रंगीन कपड़ों को पहले धोना है, तो रंग के हिसाब से हमारे पास कपड़े रखे हैं, अगर हम उनको साबुन लगा के धोने का प्रयास कर रहे हैं तो हम उन पर साबुन लगाएंगे। अगर कपड़ों को हमने छांटा है, छांटने के बाद हमें लगा कि हाँ ये सफ़ेद कपड़े हैं, तो हम सफ़ेद कपड़ों को सर्फ में जो है वो भिगा करके धुलाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उनको फिर सर्फ में भिगा देंगे। या फिर ऐसा लगता है कि नहीं, इनको जो है वो थोड़ी देर पहले नॉर्मल कपड़े में नॉर्मल पानी में हम लोग थोड़ा सा छोड़ें, उसके बाद हम इसके ऊपर डिटर्जेंट अप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से फिर हम क्या करते हैं, कपड़ों को साबुन के अंदर भिगोते हैं। तो सेकेंड स्टेज हमारा क्या आता है, कपड़ों को साबुन में भिगोना। या तो आप सर्फ के अंदर आप भिगो करके छोड़िए, या फिर आप उस पर साबुन की बट्टी जो भी है, आप डिटर्जेंट या साबुन जो होता है उसको आप घिस रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, साबुन में भिगोने से रिलेटेड हो गई। अब जब हमने या तो साबुन लगा लिया उस पर, या फिर हमने सर्फ में उसको भिगा लिया, तो उसके बाद हम क्या स्टेप लेते हैं, हम उसको क्या करते हैं, धोना चालू करते हैं। धोना इन द सेंस कि जहाँ पे भी आवश्यकता है वहाँ पे हम थोड़ी रगड़ दें, जहाँ पे भी आवश्यकता है वहाँ पे हम लोग धूल मिट्टी या कुछ ऐसा गंदगी लगी हुई है जिसको हम थोड़े से रगड़ से उसको साफ करें, या फिर आवश्यकता है तो डिटर्जेंट के साथ साथ अगर किसी और चीज़ों का दाग धब्बों के लिए अगर हमें कोई प्रयोग करना है, तो पहले से निकाले हुए दाग धब्बों के ऊपर हम किस तरीके से, किस क्रियाविधि से सफाई करें। तो कुल मिलाकर के जो हमारा थर्ड स्टेज आ जाता है वो आ जाता है धुलाई का, ठीक है। और जब कपड़े हम धो लेते हैं तब हम क्या करते हैं, उसको सुखाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक बहुत सिस्टमेटिक तरीका होता है, और सिस्टमेटिक तरीका अगर क्रमबद्ध रूप से हम लोग देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कपड़ों को छांटते हैं, कपड़ों को छांटना, उसके बाद हम क्या करते हैं, साबुन में भिगोना,
उसके बाद कपड़ों को धोना, और धोने के बाद लास्ट स्टेज पे कपड़ों को सुखाना। ये जो है एक क्रम हुआ, ये एक स्टेप हुआ, जिसके द्वारा जो है हम लोग ये क्रियाएं करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये हमारे जो वस्त्रों की धुलाई होती है, बेसिकली धुलाई का जो है ये एक क्रमबद्ध रूप है। तो हमने क्या देखा कि कपड़ों को हम छांट रहे हैं, उसके बाद हम डिटर्जेंट में या साबुन में उसको भिगो रहे हैं, उसके बाद हम धो रहे हैं और हम सुखा रहे हैं। तो हमारे पास क्रम क्या आया? क्रम ये आया, जो पहला नंबर है वो चार पे आ रहा है, ठीक है। फिर जो दूसरा नंबर है वो हमारा दूसरे पे ही आ रहा है। फिर जो तीसरा नंबर है वो हमारे एक पे आ रहा है, और जो हमारा चौथा नंबर है वो तीन पे आ रहा है। तो जो हमारे पास क्रम आ रहा है वो क्या आ रहा है? चार, दो, एक और तीन। किसके हिसाब से? ये जो पद दिए गए हैं इनके हिसाब से, ठीक है। जो पद प्रश्न में पूछा गया है, इस प्रश्न के हिसाब से जो हमारा क्रमबद्ध रूप आ रहा है वो क्या है? चार, दो, एक और तीन। तो हमारे ऑप्शन में चार, दो, एक और तीन किसमें दिया हुआ है? तो देखें आप, चार, दो, एक और तीन हमारे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका होगा, ठीक है। दूसरे नंबर के प्रश्न पे आते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, बहुत सीधा प्रश्न है, हो सकता है प्रश्न देखते ही आपको जो है वो आंसर भी जो है इसका तुरंत समझ में आ जाए। वार्डरोब शब्द दर्शाता है, वार्डरोब जो शब्द होता है वो क्या दर्शाता है, या हम इसका प्रयोग सर्वाधिक कहाँ पे करते हैं? तो हम लोग वार्डरोब का प्रयोग जो है वो संग्रहण के हिसाब से जो है वो अत्यधिक करते हैं। वार्डरोब का मतलब होता है एक अलमीरा, जिसके अंदर हम वस्तुओं को जो है इत्मीनान से रख सकें। तो यहाँ पे वार्डरोब का तात्पर्य जो है वो, चूंकि हम लोग अभी मैंने आपसे जैसे चर्चा की कि हम वस्त्र विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, तो ऑप्शन में जो है वो वस्त्र दिखाए गए हैं, इसलिए वार्डरोब का संबंध हम वस्त्रों से लेकर के यहाँ पे बात करेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है कपड़ों की दशा को। वार्डरोब शब्द दर्शाता है कपड़ों की दशा को, जो कपड़ों की दशाएं हैं, अर्थात कपड़ा किस तरीके का है, उसका टेक्सचर कैसा है, कपड़े की क्वालिटी कैसी है, उसके तंतु कैसे हैं। क्या वार्डरोब शब्द से हम लोग इसको समझ पाते हैं? नहीं, कपड़े की दशा को हम लोग वार्डरोब शब्द से नहीं समझते हैं, ठीक है। कपड़ों की दशा को हम लोग वार्डरोब शब्द से नहीं समझते हैं। दूसरा आया कपड़ों की गिनती को, यानी कि अगर हम कपड़ों को गिन रहे हैं तो क्या ये शब्द वार्डरोब से रिलेटेड है? कपड़ों को गिनना क्या वार्डरोब से रिलेटेड है? नहीं। कपड़ों के रंग को, अगेन ये भी वार्डरोब से रिलेटेड नहीं है। कपड़ों के संग्रहण को जो है हम लोग वार्डरोब से जो है वो समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कपड़ों को हम लोग एकत्रित करके एक जगह पे, एक स्थान है वार्डरोब, एक स्थान है जहाँ पे कपड़ों को हम लोग संग्रहित करते हैं, उनको यथास्थान रखने का प्रयास करते हैं, उनको हम लोग डस्ट से बचाने का प्रयास करते हैं, कीड़े से बचाने का प्रयास करते हैं, और उनकी तह में जो है वो सले ना पड़े, इसके लिए हम लोग उसकी तह भी जो है वो बहुत इत्मीनान से बना के रखते हैं कि जब भी आवश्यकता हो उस वस्त्र को तत्कालीन निकाला जा सके और उसको तुरंत पहन करके जो है उसको प्रयोग में लिया जा सके। तो संग्रहण में केवल ऐसा नहीं है कि वस्त्रों को रख देना ही संग्रहण हो गया। संग्रहण का मतलब हो गया वस्त्रों को जो आपने रखा है उसका रख रखाव भी इस प्रकार से हो कि जब प्रयोग में उसको लिया जाए तो उसको प्रयोग में लेने में आसानी हो। तो वार्डरोब शब्द क्या दर्शाता है? कपड़ों के संग्रहण को। बहुत आसान सा प्रश्न था ये। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। कथन है सतह डिजाइन के अंतर्गत छपाई आती है। देखिए, प्रश्न में सतह डिजाइन की बात की जा रही है। जो सतह पे यानी कि बेस पे जो डिजाइन की जाती है उसके अंतर्गत छपाई आती है, ठीक है। जो सतह पर, जैसे मान लीजिए ये वस्त्र की सतह है, ये मान लीजिए, एग्जाम्पल देती हूं मैं, ये हमारे वस्त्र की सतह है। वस्त्र का ये सतह, ये संपूर्ण ये जो भाग आप देख रहे हैं, वस्त्र का हम लोग कोई सा भी भाग लें, मैं अगर ये भाग भी लूं तो ये जो वस्त्र है ये संपूर्ण भाग जो है ये वस्त्र की
सतह है, ठीक है। अब सतह की, सतह डिजाइन के अंतर्गत छपाई आती है, ये जो सतह है सतह के डिजाइन के अंतर्गत जो है वो छपाई आती है। तो सतह पे अगर हम लोग कोई डिजाइन तैयार करते हैं, कुछ डिजाइन अगर बनाते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या होती है, छपाई आती है, ठीक है। ये बात जो है एक तरीके से करेक्ट है, ठीक है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जो सतह होती है सतह के ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, और सतह के ऊपर जो डिजाइनिंग हम लोग कर रहे हैं उसके अंतर्गत ही हमारी छपाई का कार्य होता है, या छपाई के अंतर्गत ही सतह पर डिजाइन बनती है। तो दोनों तरीके से जो है ये पॉइंट सही हो गया। दूसरे पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं, कारण बता रहे हैं, कपड़े पर सब जगह रंग लगाना छपाई है। अगर ये संपूर्ण ये जो कपड़ा है, इस कपड़े पर जो है ये पूरा का पूरा ऑरेंज कलर जो लगा हुआ है, तो अगर हम लोग कहें कि ये छपाई है, तो नहीं, ये छपाई नहीं होता है। कपड़े पर जब सब जगह रंग लगता है, तो सब जगह रंग लगाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, रंगाई कहते हैं, ठीक है ना, इसको छपाई नहीं कहते हैं। जबकि इसकी सतह पर जो कपड़े का सतह है, सतह के ऊपर अगर हम कोई डिजाइन बनाते हैं, अगर किसी तरीके से कोई कला बनाते हैं, किसी शैली को दर्शाने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, छपाई होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये कपड़ा है बिल्कुल, यहाँ पे आप देखिए ये डिफरेंट जो है आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, डिजाइन डिफरेंट नजर आ रही है। तो ये जो है ये एक तरीके से ये कपड़ा इसी तरीके से बुना गया है, तो इसकी पूरी की पूरी सतह, पूरी कपड़े की बुनाई ही यही है। तो ये बिल्कुल सिंपल ये कपड़ा है, लेकिन यहाँ पे जब इस तरीके की हमने डिजाइनिंग डाल दी, तो ये क्या हो गया, सतह डिजाइन के अंतर्गत छपाई आती है, यहाँ पे ये छपाई कर दी गई है। लेकिन जब ये एक ही कलर का, ये एक ही कलर का कंप्लीट है, तो इसे हम सतह पे डिजाइन नहीं कहेंगे, बल्कि ये एक ही कलर का संपूर्ण कपड़ा यदि है, एक ही तरीके के रंग में रंगा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रंगाई नाम से संबोधित करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत हो गया। आपका कथन सही हो रहा है, कारण गलत हो रहा है। अब यहाँ पे कूट दिए हुए हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक गलत और एक सही है। ए तथा आर दोनों गलत हैं, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि एक सही है और एक गलत है। अब इसमें कहा गया ए सही है और आर गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि ए जो है हमारा सही हो रहा है और आर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। सतह डिजाइन के अंतर्गत छपाई आती है, सही है, और कपड़े पर सब जगह रंग लगाना छपाई है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि सब जगह रंग लगाने को हम रंगाई कहते हैं, और ये हमारा ऑप्शन आ गया, तो ये वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए कथन कारण का एक और है, बुने हुए कपड़े एक धागे के गुच्छ से बनते हैं। जो बुने हुए कपड़े होते हैं, जिन कपड़ों की बुनाई की जाती है, वे धागे के गुच्छ से बनते हैं, हमारे कथन में ये लिखा गया है। तो क्या धागे के जो गुच्छे होते हैं, उन गुच्छों से हम कपड़ों का निर्माण कर सकते हैं? नहीं। जो हमारे जो धागे होते हैं, जो तंतुओं से जो हमारे फाइबर्स बनते हैं, उन फाइबर्स से हम लोग धागा बनाने का प्रयास करते हैं, और जो धागा हमारा बना होता है उन्हीं से हम वस्त्रों का निर्माण करते हैं। और उन धागों में यदि कहीं पे मोटा पतला भी यदि धागा होता है, तो कपड़ों की बुनाई वहां पे असंभव हो जाती है, या कपड़ों की बुनाई के पश्चात जो कपड़े का टिकाऊपन है, या कपड़े के प्रयोग में लेने की जो शैली है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही नाके बराबर रह जाती है। क्यों, क्योंकि वो कपड़ा चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कि बने हुए कपड़े एक धागे के गुच्छ से बनते हैं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। धागे के गुच्छ से नहीं बनते हैं, बल्कि वो अनेक प्रकार के धागों से बनते हैं। पहली बात तो ये कि एक धागा, एक धागे से तो बनता नहीं है, और गुच्छ से तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो एक धागे के गुच्छ से जो कपड़ा है वो नहीं बनता है। दूसरा हम कारण में आते हैं, बुने हुए कपड़े बड़ी आसानी से उधड़ते हैं। बुने हुए कपड़े बड़ी आसानी से उधड़ते हैं, क्योंकि वे एक ही धागे से बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे एक ही धागे से बने हुए कपड़े तो कभी भी हो ही नहीं सकते हैं। जो कपड़ा होता है वो कपड़ा दो धागे से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। जो कपड़े की बुनाई होती है वो बेसिकली दो धागे से मिलकर के बनती है। कौन सा, पहला होता है ताना का धागा,
और दूसरा होता है बाना का धागा। ठीक है, ताना और बाना दोनों धागों के प्रयोग से मिलकर के वस्त्रों की बुनाई होती है। या इसको जैसे मैंने ताना और बाना लिखा, कई जगहों पे इसको आड़ी और खड़ी जो है वो बुनाई भी कहा जाता है, कई जगहों पे इसको आड़ी और बैठी बुनाई भी कहा जाता है। तो सबके अपने अपने लैंग्वेज प्रयोग करने का जो है वो तरीका है, लेकिन आप भी इस बात को मानेंगे कि ये जो हमारे मान लीजिए ये तंतु हैं, ये तंतु हमारे सामने आए, एक धागा तो हमारा इस तरीके से चलता है और जो दूसरा धागा होता है, दूसरे धागे को हम लोग इसके ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके नीचे, इस तरीके से हम लोग इस पे जो है वो चलाते रहते हैं, तब जाके हमारा क्या होता है, कपड़ा तैयार होता है। ये मैंने थोड़ा सा ऐसे विरल विरल वो किया है, लेकिन जो हमारा कपड़ा होता है वो बहुत घना जो है इसको बुना जाता है, तब जाके जो हमारा वस्त्र होता है वो तैयार होता है। और इस तरीके से जो है थान में ही जो है ये वस्त्र होते हैं और इनको काट करके हम क्या करते हैं, अपने पहनने योग्य या अपने प्रयोग के हिसाब से हम इन वस्त्रों को जो है वो तैयार करते हैं। तो जो धागा होता है वो पहली बात तो ये कि एक ही धागे से नहीं बना होता है, क्योंकि दो धागे से बना होता है। तो जब आप इसको उधाड़ेंगे तो या तो आप देखिए यहां से किस तरीके से आप उधाड़ने का प्रयास करेंगे, मान लीजिए मैं यहां से करती हूं, तो आसान कैसे होता है, अगर आप ये निकालेंगे तो ये निकलेगा, फिर ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, मतलब एक एक धागे को जब आप ऐसे ऐसे निकालने का प्रयास करेंगे बहुत टाइम लगेगा, आप एक एक पूरा धागा निकालेंगे तो ये पूरा जो है एक तरफ से आपने याद का पूरा निकाल लीजिए। तो अगर ताना बाना दोनों को मिला करके अगर आप धागे को अलग अलग भी निकालेंगे तो भी इट इज टाइम टेकिंग, ठीक है, आसानी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो हमारे सामने ये चीज क्लियर हो गई कि ये हमारा गलत है पॉइंट और ये पॉइंट भी गलत है। तो कूट में क्या दिया हुआ है, ए आर दोनों सत्य हैं, ये बिल्कुल नहीं होगा, ए आर दोनों असत्य हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, दोनों ही पॉइंट क्या हैं, असत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। सूची एक के पदों को सूची दो से मिलाइए। सूची एक हमारे पास दिया हुआ है ये है, और सूची दो हमारा ये दिया हुआ है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। अब यहाँ के पॉइंट्स का मिलान जो है हमें यहाँ के कुछ पॉइंट्स को देख करके करना है कि इनके रेलेवेंस में कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इनके साथ जो है मैच हो सकेगा। तो पहला पॉइंट है कपड़ों के चयन में मुख्य कारक है। जब हम कपड़ों का चयन करते हैं तो कपड़ों के चयन करते समय कौन सा कारक जो है मुख्य रूप से उपयोग में लिया जाता है और इन कारकों में से हमें उसको चूज करना है। तो अगर मैं बात करूं अनुपात की, तो अनुपात हम लोग कपड़े के चयन के समय जो है वो प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं। टीनोपाल, टीनोपाल चयन की एक प्रक्रिया का भाग नहीं है। अगर हम आय की बात करें तो यस, कपड़ों के चयन पर हमारे आय का प्रभाव पड़ता है। आय के अनुसार कई बार वस्त्र हम लोग जो है वो खरीदने का प्रयास करते हैं या चुनने का प्रयास करते हैं। दूसरा आया कपड़ा सिलना। जब हम कपड़े की सिलाई कर रहे होते हैं तो कपड़े की सिलाई करना हमारे किस पार्ट में आता है, तो कपड़े की सिलाई करना एक वाणिज्यिक नमूने के पार्ट में आता है। ठीक है ना, कपड़े को जब हम सिल रहे हैं, कपड़े को सिलना एक तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी के रूप में हो गया, वाणिज्यिक नमूने के रूप में हमारे पास आ गया। स्थान संबंधित सिद्धांत, यानी कि स्थान क्या है, किस तरीके से है, वहां पे क्या क्रियाविधि हो रही है, किस तरीके के जो है वो रंगों का प्रयोग किया गया है, ऊंचाई में कितना ऊंचा है या चौड़ाई में कैसा है, तो ये सारी चीजें जब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अनुपात की बातें करते हैं। ठीक है, और जब हम सफेदी का उदाहरण की बात करते हैं तो इसमें समझाने की जरूरत नहीं है कि सफेदी का उदाहरण हम टीनोपाल शब्द जो है इसके लिए प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, आजकल टीनोपाल के प्रयोग बहुत कम हो गए हैं, आजकल डिटर्जेंट ही ऐसे आने लगे हैं जिनमें नील और टीनोपाल मुझे लगता है शायद
मिक्स होते हैं, या आजकल के कपड़े जो है मैक्सिमम लोग ज्यादातर जो लोग मशीन में धोते हैं, वॉशिंग मशीन में धोते हैं, वो इतने अच्छे डिटर्जेंट्स का ही यूज करने लगे हैं कि कपड़ों का जो रंग है उनमें पीलापन पड़ता नहीं है, तो नील या टेनोपाल की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन पहले के समय में जो है, या अभी भी कई जगहों पे अच्छे अच्छे कपड़ों में जिनमें चरक की आवश्यकताएं होती हैं, और जो लोग अपने कपड़ों में रंग को बेहतरीन दिखने का प्रयास करते हैं वो लोग अभी भी टेनोपाल का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है हमारे पास सूची एक के पदों को हमने सूची दो से जो है वो मिलान कर लिया। कपड़ों के चयन का मुख्य कारक हमारी आय से संबंधित है, कपड़े का सिलना हमारे वाणिज्यिक नमूने से संबंधित है, स्थान संबंधित सिद्धांत हमारे अनुपात से संबंधित है, और सफेदी का उदाहरण क्या है, टेनोपाल है। अब हमारे पास देखिए कूट के अंदर जो है ये ए बी सी डी अर्थात ये वाले पार्ट जो है वो मेंशन है, ए बी सी और डी, और यहाँ पे ये वाले पार्ट में जो है वो लिखा गया है कि कौन सा इस ए के साथ मैच होगा, कौन सा बी के साथ। तो देखिए ए के साथ हम मैच कर रहे हैं थ्री को, यानी कि ए के साथ थ्री कहाँ पे आ रहा है, तो थ्री यहाँ भी आ रहा है, थ्री यहाँ भी आ रहा है, थ्री यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। तो एक ये हमने देख लिया, बी के साथ हम मैच कर रहे हैं कपड़ा सिलना फोर को, तो बी में फोर कहाँ आ रहा है, बी में फोर यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। सी में हम कह रहे हैं स्थान संबंधित सिद्धांत यानी कि अनुपात, यानी कि वन हुआ तो वन यहाँ पे भी आ रहा है, वन यहाँ पे भी आ रहा है, और डी सफेदी का उदाहरण अर्थात टू, तो टू हम देखेंगे कहाँ आ रहा है, तो टू हमारे डी के अंदर जो है वो टू इसमें आ रहा है, यानी कि तीन चार एक दो। आप यहां से भी देखें ये मुख्य कारक आया, तीन के पास हम यहाँ पे एक नंबर पे आ गया, कपड़ा सिलना ये दो नंबर पे आ रहा है, देन फिर ये तीन नंबर पे आ रहा है और ये चार नंबर पे आ रहा है, यानी कि तीन चार फिर एक और दो, ठीक है ना, ये हमारा जो है वो हो गया। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आया, बी आया, तीन चार एक और दो, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे जो है वो आंसर आ गए। तो आज की प्रश्नोत्तरी में जो है ये प्रश्न थे, आप लोग अपनी कॉपी में जरूर इसको नोट डाउन करते चलिए। अभी मैं जितने भी प्रश्न आपको करवा रही हूँ ये प्रश्न ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और कभी भी जो है आप इस तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस से ना चूके, आप इस तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस को जारी रखिए। आगे के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इस पैटर्न के क्वेश्चन, या कई बार ऐसा होता है कि सेम यही प्रश्न जो है वो दूसरी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, या सेम जो है वो पैटर्न के क्वेश्चन सेम प्रतियोगी परीक्षा के अंदर भी जो है आगे कई वर्षों के बाद पूछे गए हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, आगे के प्रश्नोत्तरी को फिर लेके हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बाय।